पार्ट पढ़ रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने कल पढ़ लिया था, जिसमें पहला बिंदु जो था परिचय पढ़ लिया था, दूसरा बिंदु हमने इसमें विस्तार पढ़ लिया था, ठीक है ना, और आज हम तीसरा बिंदु अगर पढ़ेंगे तो वो आकार वाला पढ़ेंगे, और चौथा बिंदु हम पढ़ेंगे वो इसके क्षेत्रफल वाला पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ते हैं दोबारा से। देखिए परिचय के बारे में ज्यादा कोई जानकारी याद रखना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भारत में प्राचीन काल में अनेक नामों से जाना गया था। जैसे मैंने बताया भी था कि प्राचीन भारत का एक कुल हुआ था भरत कुल, उसके नाम पे भारतवर्ष। यूनानी लोग अपने भारत में आए इधर से, यहाँ पे सिंधु नदी वहां करती थी, सिंधु नदी वहां करती थी, सिंधु नदी को इन्होंने इंडस कहा था, इंडस नदी के नाम पे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। तो सबसे पहले इंडिया नाम किन लोगों ने? यूनानियों ने। उसके बाद इधर से आए ईरानी, ईरानियों को यहाँ पर सिंधु नदी मिली, वो सैको है बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा, क्योंकि वो सैको क्या बोलते थे है, तो सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा और देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। उसके बाद आपको जैसा कि पता है कि हमारे भारत को प्राचीन काल में विश्व गुरु के नाम से भी जाना गया। अब विश्व गुरु बोलने के पीछे भी कोई ना कोई टारगेट था, क्योंकि हमारे भारत में विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम आता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में आती है, लेकिन आज तोड़ दी है वो, लेकिन प्राचीन काल की तो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, जहां पर चाणक्य का नाम सुना होगा, प्रोफेसर राता। तो कहते कई विद्वान आए थे विदेशों से और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जैसे इंसान आपने नाम सुना होगा, फैयाद सिंह, ऐसे कई चीनी यात्री भी आए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी भारतीय शिक्षा का प्रसार अपने देशों में किया। विश्व गुरु का यहाँ पे नालंदा आता है बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय भी अपने भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहलाता है, इसलिए विश्व गुरु कहलाया। सोने की चिड़िया कहा गया था प्राचीन काल में, बोले तो मध्यकालीन भारत के दौरान भारत विश्व का सबसे संपन्न देश था, कोहिनूर जैसे हीरा अपने भारत में थे, तो इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। लेकिन आपको बात याद रखनी केवल संविधान में क्या कहा जाता है, तो संविधान में हमारे देश को राज्यों का संघ तो घोषित किया गया ही है, साथ ही अनुच्छेद 1 में देश का नाम भारत अर्थात इंडिया भी दिया गया है, भारत अर्थात इंडिया, कौन से अनुच्छेद में? 1 में। ओके, ये हमने परिचय की बात की थी, विस्तार की हमने बात की थी कि भारत को सभ्यता की दृष्टि से 4 भागों में बांटा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा। हमने बात की थी कल, जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, हालांकि फर्स्ट टॉपिक में मैंने बता दिया था, भारत की उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर के पीओके से इंदिरा कॉल से प्रारंभ होती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है यहाँ पर ग्रेट निकोबार में, और ग्रेट निकोबार में माना जाता है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जिसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है, अगर नहीं खूब बढ़िया ढंग से लिख के जब समझाता हूँ। उसके बाद भारत का पश्चिमी बिंदु आता है गुजरात में, गुजरात के सरकलेट से प्रारंभ होता है। भारत का पूर्वी बिंदु आता है अरुणाचल प्रदेश के बालागुला के बिंदु में। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई हम देख चुके थे 3214 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई हमने बताई थी पश्चिम से पूर्व की 2933 किलोमीटर, लंबाई चौड़ाई का हमने अंतर देखा था 281 किलोमीटर। ये बातें हम कर चुके थे। उसके बाद विस्तार में हमने बताया था कि भारत का विस्तार ग्लोब में उत्तर पूर्व है, ग्लोब में कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व में है, अर्थात भारत ग्लोब में देखे तो अर्थात उत्तरी अक्षांश से विस्तार भारत का है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये तो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है भारत का। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार क्या है, तो भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब एक बात सुनिए, तो मैंने ग्लोब बताया होगा, मैंने ये भी बताया होगा कि समय का निर्धारण किन के माध्यम से किया जाता है, देशांतरों के माध्यम से,
यहां तक की बात मैं बता चुका था अगले एपिसोड में, इससे पहले नहीं। बोलो कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर। आगे आओ। देखो मैंने बताया था कि संदर्भ के माध्यम से किसका निर्धारण किया जाता है, समय। ये भी मैंने बताया होगा पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट। यहाँ 97 डिग्री है, यहाँ 68 डिग्री है। थोड़ा सा घटा के देखते अपन, 97 में से 68 जाएंगे तो 29, कितना? 29। लेकिन ये 25 भी है, वहां पर ये 7 भी है, तो इसको अपन लगभग 30 मान लेते हैं। कितने डिग्री मान लेते हैं? अब चलो जी, तुम्हें ये भी पता होगा कि पृथ्वी को 15 डिग्री देशांतर चलने में कितना समय लगा? 15 × 4 कर लो, अपने आप की 60 मिनट आ जाएगी। तो पृथ्वी को 30 डिग्री चलने में कितना मिनट लगेगा? 2 घंटे। शाबाश, मतलब 120 मिनट। और 120 मिनट को आवर बनाने के लिए 60 का भाग दे देते, कितने घंटे निकल के आ जाते? 2। अब आओ, आपको मैंने नहीं बताया होगा तो बता देता हूँ, सूर्य निकलता है पूर्व दिशा से। कौन सी दिशा से? पूर्व। हमारा भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कौन से राज्य में होगा? और सबसे बाद में कौन से में होगा? गुजरात में होगा या नहीं होगा? बहुत बढ़िया। आओ, कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का। सूर्य के प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 2 घंटे। सुनो, सपोज करो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे गुड मॉर्निंग हो गई, कितने बजे? तो गुजरात में कितने बजे गुड मॉर्निंग हो गई? 7 बजे। 7 बजे, समझ में आया? 2 घंटे का अंतर है, लेकिन भारत ने अपना मानक समय बीचों बीच में डिसाइड कर रखा है। या यूपी में इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्जापुर में, यहाँ पे एक रेखा अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद अपन, यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर डिसाइड कर रखा है यहाँ पर, नैनी या इलाहाबाद, ठीक है, नैनी या मिर्जापुर के निकट। इसलिए पूरे देश का, भारत का एक ही समय है, चाहे अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, चाहे गुजरात में चले जाओ, सब जगह एक ही टाइम है, समझ में आया? हाँ, ऐसा जरूर है, यहाँ पहले सूर्य उदय हो चुका है तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? अस्त भी होगा, समझ में आया? ये बात है, बस सबसे पहले निकला है सबसे पहले बंद हो जाएगा, समझ में आया ना? बस ये है, लेकिन टाइम एक ही रहता है। जैसे आप यहाँ, आपका दोस्त है कोई अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में, आप फोन करके पूछ लेना, यहाँ भी 5 बज रहे हैं तो यहाँ भी कितने बजेंगे? 5। लेकिन समय में अंतर तो 2 घंटे का है, तो इसे कहते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा किसे कहते हैं? जब किसी देश या स्थान का समय एक ही देशांतर पर निश्चित कर दिया जाए तो उसे उस देश का मानक समय कहा जाता है, चाहे अंतर कितना भी हो। लेकिन सबसे ज्यादा रूस में टाइम जोन है, समय अंतर है, लगभग 11 है। रूस कितना बड़ा है? रूस के किसी भाग में रात हो रही है तो रूस के किसी भाग में दिन हो रहा है, बड़ा है इसलिए। लेकिन भारत ज्यादा बड़ा नहीं है, भारत का तो 7वां स्थान है विश्व में। जब भी समय में अंतर है, कितने घंटे का? 2 घंटे। आओ, ये बातें अपन को करनी है, ठीक है ना? ये बात अपन को करनी है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की, आकार की बात बता देता हूं। भारत का जो आकार है ये चतुष्कोणीय है, कैसा है बताओ? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय है, ठीक है ना? उसके बाद क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,563 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर? शाबाश, वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% है। कितना परसेंट है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। बहुत बढ़िया। पिछली बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा है? बहुत बढ़िया। अब अपन को दूसरा ही नहीं याद रखना है, अपन को पूरे 8 देश याद रखने हैं। कितने देश? 8। वो पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत से पहले कौन से देश का नाम आता है? तो छठवां देश याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बाद कौन से देश का नाम आता है? तो अपन को आठवां देश याद रखना है। अब सुनो, आपको पता है यहां सकता है, यहां पे चीन है या नहीं है? ये चीन क्या है कि इधर भूटान को रास्ता निकाल रहा था अपने सिक्के मोते हुए, डोकलाम पठार होते हुए सन 2018 में। तो अपन को पता चला यहाँ पर सेना अड़ा दी, एक तरफ चीन की सेना एक तरफ भारत की सेना, धमकियों पे धमकी चली थी, बयानबाजी हुई थी। चीन ने कहा था 1962 का इतिहास दोहरा देंगे, हमने कहा 1962 में थे ही नहीं। अब आकर देखो, जब पता चलेगा कि भारत में कितने दम है, ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। उस समय हमने एक बात बोली थी चीन से, रुक चीन अब आ बोलो कहां। इसमें विश्व के सात बड़े देश आ गए, वो भी क्रम से कितने देश आ गए? चीन से हमने क्या कहा, रुक चीन आवा, जब ही तो पता चलेगा भारत पीछे ही लग रहा है। तो जनसंख्या में देख ले, किसी में देख ले, पीट के छोड़ेगा। बता दिया यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक पीट देंगे, ठीक है ना। तो देखो रूस से क्या बन गया बताओ, विश्व का सबसे बड़ा देश कैसे क्या बन गया, कनाडा। तीसरे नंबर पे किसका है, चीन का है। ऐसे अमेरिका कौन सा आ गया बताओ, चौथा बड़ा देश। वैसे आ गया ब्राजील, कौन सा जी, ये आ गया पांचवा। आज से क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका कौन सा स्थान है, और सॉरी छठवा। और सातवां स्थान किसका है, और आठवां स्थान आपको मैं गिफ्ट में दे देता हूँ, अर्जेंटीना। कौन सा टीना, तो ये विश्व के कितने देश हो गए? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान रहे, भारत से पहले कौन सा रहे, भारत के बाद कौन सा रहे? समझ में आया नहीं आया, ये बात हो गई अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से एक नहीं पूरे आठ देश हो गए। अब उसकी औकात इतनी है एग्जाम लगे, या तो वो पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, दूसरा कौन सा है, कनाडा। वो चार भी दे देता है कभी कभी कि विश्व के क्रमशः बड़े देश है, तो वो चार का थोड़ा दे देता है। तो बोलो पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, और चौथा कौन। अब उसकी औकात ये है, भारत का नहीं पूछेगा तो भारत से पहले का पूछ लेगा, भारत के बाद का पूछ लेगा। समझ में आया ना, मामला सेट है ना, ठीक। तो ये बात अपन ठीक देखते देखो, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो गई। देखो भारत का क्षेत्रफल ये है, टोपट चार है, सातवां नाम आता है। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है। समझ में आया। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान विश्व में किसका आता है, चीन का आता है, और विश्व में दूसरा स्थान अपने भारत का ही आता है। और भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है लगभग, ठीक है ना, लेकिन चीन के पीछे पड़ रहा है, चीन में लगभग 21% के लगभग है। लेकिन 2027 में यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार चीन से आगे निकल जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वहां आपको याद रखना है यूपी। कौन सा आता बताओ, यूपी है। जबकि सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। अब सुनो, दो चीज अपन ने नहीं देखी है, एक तो मैंने कर्क रेखा की बात नहीं बताई है, तो उसको देखते हैं। मैंने तो बताया भी होगा, मैंने ग्लोब में बताया होगा, ठीक है ना। दोबारा देखो एक बार, सपोज करो ये ग्लोब है, इसमें तीन रेखाएं हैं, इसे कहते हैं 0° भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है ना। इसे 0° भूमध्य रेखा या क्या कहा जाता है बताओ, इस 0°
भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से मैं उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रहा हूं, वो भी कितने डिग्री पर बताओ? 23.5 डिग्री पर। तो मुझे कौन सी रेखा? कर्क रेखा मिलेगी, मिलेगी ना? उसके बाद मैं इधर दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाऊंगा और दक्षिणी गोलार्ध की ओर मैं कितने डिग्री पर जाऊंगा? 23.5 डिग्री पर। तो मुझे कौन सी रेखा मिलेगी? मकर रेखा मिलेगी। अब देखो, आपने देखा भी होगा पृथ्वी पे बिल्कुल बीचों बीच से अर्थात केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा है, इसे ग्रीनविच रेखा कह सकते हैं या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, ये केंद्र है। ये ध्यान देना, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये बताओ कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है और भारत के बीचों बीच से अर्थात भारत को दो भागों में विभाजित करती हुई एक रेखा गुजर रही है। ये मैं छोटा सा नक्शा बना रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा जिससे कि अच्छे से। बोलो, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है ना, तो भारत के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरती है, वो भी 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8। ग्लोब में मैं अगर बात करूं तो ग्लोब में भारत कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है पूरी तरह से। और दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। लेकिन हम बात करें कि हमारे भारत से एक रेखा गुजरती है, रेखा की मैं बात करूं तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कौन सी रेखा गुजरती है। तो देखो यहाँ पे ये तो आपको ध्यान रखना है, ये तो मेघालय में है, लेकिन मेघालय से नहीं गुजरती है, यहाँ गुजरात से चल रही है। ये इस प्रकार गुजरती है, ठीक है ना? 8 राज्य। यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा एक देश आता है बांग्लादेश, इधर नालायक कौन सा देश है, वहां से चलती है ये भारत यही है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे भारत का जो राज्य आता है उसे गुजरात बोलते हैं। कौन से राज्य से? गुजरात। उधर गई गुजरात के बाद यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है? राजस्थान के पड़ोस में सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश। पहले क्या था कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ सन 2000 में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ही था, लेकिन इससे इसका पड़ोसी राज्य ये छत्तीसगढ़, कौन सा बताओ? छत्तीसगढ़, ठीक है ना? यहां पर ले लो जैसे छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। ऐसी स्थिति में इसका दूसरा नाम आ गया, दूसरे नंबर पर पहुंच गया। यहां पर निकट ही एक और राज्य आता है झारखंड, और यहां पर जो आता है उसका नाम है पश्चिमी बंगाल। कौन सा बंगाल? उसके बाद बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद कहां जाती है? बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में यहां पर कौन सा पुरा आता है बताओ? त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा, और उसके बाद यहां पर मिजोरम। 8 राज्य। एक बार दोबारा से देखते हैं, मेरे साथ बोलना सभी के सभी। नंबर एक पर गुजरात, नंबर दो पर राजस्थान, नंबर तीन पर मध्य प्रदेश, नंबर चार पर छत्तीसगढ़, नंबर पांच पर झारखंड, नंबर छह पर पश्चिम बंगाल, नंबर सात पर त्रिपुरा और नंबर आठ पर मिजोरम। 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है? अगर इस तरीके से भी अगर मैप में याद नहीं रह रहा है, मैं तो ये कहता हूं कि मैप में याद करो, आप घर नक्शा बनाओ, घर नक्शे चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 101% आपको याद होगा। लेकिन फिर भी ऐसे नहीं याद रहता है तो टैबलेट खाओ। क्या खाओ? मीठी खिलाओ या कड़वी? मीठी। चलो मीठी खिलवाता हूं। आपका एक दोस्त है, उसका नाम है पंडित झाकुराम। कौन सा नाम? पंडित झाकुराम। हाँ, क्या नाम है बता? हाँ, पंडित बेटा भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। पंडित जादूराम है। अब एक बात बताओ, पंडित गांव में दुश्मनी करता है या दोस्ती करता है? एक बात बताओ, दुश्मनी करेगा तो खाएगा क्या? नवरात्र आते हैं, कर्नाटक आते हैं, बहुत सारा प्रयोग
बहुत सारे प्रोग्राम भी होते रहते हैं, यार दोस्तों के बर्थडे भी मनते रहते हैं, कई प्रोग्राम होते हैं, दोस्ती करेगा तो सब कुछ मिलेगा। समझ में आया? छोटे से छोटे कारण में पंडित जी को नौता दिया जाएगा, तो वो दोस्ती ज्यादा करता है, उसका स्वभाव है, ठीक है ना, दोस्ती करने का। तो इस पंडित जादू खाम के एक नहीं पूरे के पूरे कितने मित्र है बताओ, पंडित जादू राम के एक नहीं पूरे कितने मित्र है बताओ, 36 मित्र है, आ गए 8 राज्य, कितने राज्य आ गए, 8 राज्य। ऑपरेशन करते हैं, पैसे बन गया पश्चिमी बंगाल, कौन सा बंगाल, जा से क्या बन गया झारखंड, ग से क्या बन गया पूरा रात, अरे बोल, रा से क्या बन गया राजस्थान, मैं से क्या बन गया मध्य प्रदेश, एमपी भी कहते हैं, किसे कुछ नहीं है, 36 से क्या बन गया छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा ही, और मी से क्या बन गया मिजोरम, और त्रे से क्या बन गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। बात समझ में आ गई ना, ये 8 राज्य हुए। अब एक और बात सुनो, उसके बाद हम दोनों की बात करेंगे। देखो एक और रेखा गुजरती है भारत से, ये तो कर्क रेखा की बात हो गई, कौन सी रेखा की, भारत से एक और रेखा गुजरती है, और भारत से एक और रेखा जो गुजरती है उसका नाम है मानक समय रेखा, और मानक समय रेखा किसे बोलते हैं, तो वो मैंने अभी बताया था, जब किसी देश या स्थान का समय एक ही देशांतर पर निश्चित कर दिया जाए तो उसे उस देश या स्थान का क्या कहा जाता है, मानक समय कहा जाता है। भारत के समय में 2 घंटे का अंतर है, फिर भी भारत का जो मानक समय है एक ही देशांतर पर निश्चित होने के कारण पूरे देश का समय एक ही है। तो भारत का जो मानक समय है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से डिसाइड किया है यहाँ पे, और भारत के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे डिसाइड किया है, ये रेखा जा रही है, इसे मानक रेखा कहा जाता है। और ये मानक रेखा कितने डिग्री पर है बताओ, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और मैंने गुलाब में बताया होगा कि पूरब की ओर जो देश है उधर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर समय घटता है, तो 82 गुणा करके देख लेना, 82 गुणा करके देखोगे आप, गुणा करके 4 करके देखोगे 330 मिनट आएंगी, और 330 मिनट को आप 60 से भाग करोगे तो 5.5 घंटे निकल के आएंगे। तो बात करते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या देशांतर रेखा से हमारे भारत का समय कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। सपोज करो जब जब लंदन में 12 बजते हैं तो भारत में कितने बजते हैं, 5.5 बजेंगे, बजेंगे नहीं बजेंगे, जैसे अभी वर्ल्ड कप के मैच हुए वहां 9:30 बजे मैच होते थे शुरू, 9:30 बजे से 5.5 घंटे आगे शुरू कर दो, या कितने बजे शुरू होते थे, 3 बजे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में 5.5 घंटे आगे है भारत का समय लंदन से। अपन को बात करनी है मानक समय रेखा की, ये कौन सा राज्य बोलो, छत्तीसगढ़, कौन सा राज्य, बिल्कुल छत्तीसगढ़ से दोनों रेखाएं गुजर रही है, और दूसरी बात यह है कि इस मिजोरम से भी गुजर रही है। तो भारत के ऐसे कितने राज्य जिससे कर्क रेखा भी गुजर रही है और मानक समय रेखा भी, तो एक तो कौन सा बताओ, एक तो मध्य प्रदेश है, एक कौन सा बताओ, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, या उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी, कौन सी जगह बताओ, नैनी या मिर्जापुर में भारत का यहाँ पर बिल्कुल केंद्र बना दिया है मानक समय केंद्र। तो भारत का समय यहीं से डिसाइड होता है इलाहाबाद के निकट से, और 5 राज्यों में गुजरती है ये मानक समय रेखा, कितने राज्यों में देखो ढूंढते, इसके बाद एक राज्य ये है और उसके बाद एक राज्य ये है यहाँ पे, तो एक तो कौन सा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर उड़ीसा, और नंबर 5 पर आंध्र प्रदेश। तो मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरी है, 5 राज्यों से, जबकि कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8, और ऐसे कितने राज्य जिनसे कर्क रेखा और मानक समय रेखा गुजरी, 2, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब देखो एक जगह तुम्हें दिखाई दे रही होगी, यहाँ जैसे हमसे पूछा जाए कि दोनों मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे से किस स्थान पर टकराती होंगी, तो एक झांसी के निकट ही है वो जगह, ठीक है ना,
यहाँ पे झांसी कहाँ आता है? यूपी में, तो झांसी क्यों बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जगह आती है, उसका नाम है सरनोजा। कौन सी जगह? सरनोजा नामक स्थान पर ये एक दूसरे को काटती है, और वो भी राज्य कौन सा है बोलो? छत्तीसगढ़। ये बढ़िया बातें अपन करते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी स्थलीय सीमा की। कौन सी सीमा की?